Assalamualaikum guys, welcome back to my another vlog. आज फिर से एक जगह हम लोग आए हुए हैं इफ्तार के लिए, इफ्तारी करने और आप लोग को दिखाने। जैसा आप लोगों ने लास्ट व्लॉग के अंदर देखा होगा कि हमने बंस रोड की स्ट्रीट को कवर किया, इफ्तारी का आपको माहौल दिखाया क्या माहौल है, इसी तरह से आज हम आए हुए हैं हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पे। यहाँ पे पहले मैं एक दो बार आ चुका हूँ लेकिन इतना कोई याद नहीं, स्पेशली खाने के लिए यहाँ पे नहीं आया। लेकिन हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट काफ़ी ज़्यादा मशहूर है अपने खानों की वजह से। अभी तकरीबन 6 बजे का टाइम हो रहा है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे ही नमाज़ पढ़ी हुसैनाबाद में, जो मेन मस्जिद है यहाँ पे। उसके बाद अब ये है कि निकलते हैं, तो पीछे आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, माहौल पूरा वही, हर तरफ जो है आमद आमद है रमज़ान की और इफ्तारी की तैयारियाँ चल रही हैं। मुख्तलिफ चीज़ें, रेस्टोरेंट भी ओपन है, हर चीज़ मिल रही है खाने पीने की, फ्रूट्स और समोसे पकौड़े हर चीज़ यानी अवेलेबल है। तो देखते हैं बाहर चले गए, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है हमेशा की तरह, लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी पूरे 40 मिनट बाकी हैं इफ्तारी में, तो निकलते हैं और देखते हैं हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट को एक्सप्लोर करते हैं और आप लोग को भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें खाने को मिल रही हैं। तो फिर यह है कि बाहर चलते हैं और बाहर आप लोग से मिलता हूँ। ये इस तरफ गोल गप्पे यहाँ पे रेडी हुए हैं। और ये क्या है? दही बड़े, चाट। दही बड़े मीठे और चाट है। और यहाँ पे कचोरियाँ मिल रही हैं। कितने की थी? अस्सलाम वालेकुम, ये 50 रुपए के। सर ये एक दे दीजिएगा। पापड़ी अलग से देते हैं? पापड़ी अलग से 50 रुपए की चाहिए ये वाली है, और अगर लूज में लेंगे तो 20 ही दो है। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या है? सर ये मलाई माल पूरा है। मलाई माल पूरा 50 रुपए एक है, मलाई के साथ एक क्रीम। अच्छा, इसके अंदर जो मलाई है जी, क्रीम होती है रबड़ी के साथ बनी हुई थी। सही है, सही है। हाँ मलाई के साथ माल पूरा है, आ जाओ मलाई के साथ माल पूरा है। हाँ माल पूरे के खाने वाले, आ जाओ माल पूरा खाने वाले। इस तरफ जो है लंगर का एहतमाम हो रहा है, फ्री में जो है यहाँ पे इफ्तारी कराई जा रही है। जो कि यहाँ पे चिकन पुलाव मुझे दिख रहा है, चिकन या फिर बीफ पुलाव है, साथ साथ इफ्तारी और जूस है यहाँ पे। छोले की चाट है, मीठे की फ्रूट चाट, फ्रूट चाट, फ्रूट चाट है, इधर की है क्रीम वाली की, 100 रुपए की है भैया। ले लेते हैं दही बड़े, दे दी गए दही बड़े। बॉल में नहीं है इसके अंदर? बॉल में नहीं है, बॉल में बोलो करवा देंगे, बॉल में करवा दें। इस तरफ जो है जमजम लिमका मिल रहा है, जो कि काफ़ी रश लगा हुआ है यहाँ पे भी। देखते हैं किस तरह बना रहे हैं। है क्या आपका कौन सा वैसे स्पेशल? लेमन सबसे अच्छा है, उसके बाद थ्री इडियट है। थ्री इडियट आपका भाई? अच्छा, तो लिमका के इनके पास ये फ्लेवर होते हैं यहाँ पे। नाम क्या है? जमजम लिमका जी। और इस पर ऐसी मटके वाला लिमका भी होता है, चिली मिली के साथ। 80 रुपए का एक गिलास है ऑल आइटम पे। सही है, सही है। जो भी खरीदा था वो यहाँ पे जाके हमने सेट कर लिया। तो हम लोगों ने बेसिकली सोडा लिया, सोडे के साथ जो हमने यहाँ पे लिमका लिया नींबू का, जो कि शॉपर में है। ये हम इसके बाद जब खाली जाएगा तो वो फिर मतलब रिफिल कर लेंगे इससे। और ये हमने स्टिक लिए चिकन के, इसके अलावा मोमटॉन है, और ये बीमे के समोसे, और ये चिकन का पीस है क्रिस्पी, साथ साथ फ्रूट चाट होगा, इसके साथ दही बड़े हैं, और यहाँ पर काले चनों की भी चाट है। और इसके अलावा और क्या क्या है बाकी यहाँ पे?
पापड़ियाँ जिसे कहने सब यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें अब ये है कि अफ्तार में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट रहते हैं, हालत ख़राब हो गई है चल के। हम लोगों ने बिल्कुल रेडी करके सारा सामान जो है बैठे हुए यहाँ पे, सब कुछ मतलब रेडी है। जैसे अजान हुआ फटाफट हम सारी चीज़ें यहाँ पे फिनिश करेंगे, लाइन से जितनी भी चीज़ें ये सब यहाँ पे हमने रेडी करेंगे। तो जल्दी से ये अजान हो फिर हम लोग इंशाल्लाह शुरू करते हैं, फिर साथ साथ कराची आइसक्रीम पर, क्योंकि आइसक्रीम भी इंशाल्लाह हम लोग ट्राई करेंगे। खजूर हम लोग लेना भूल गए थे हमेशा की तरह, उसका ये है मीठा है सेब, तो इससे हम लोग होगा बोल रहे हैं। तो ये चिकन स्टिक्स हमने ली थी, तो ये अब ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये क्रिस्पी चिकन भी हमने साथ साथ ली थी, तो अभी क्रिस्पी चिकन को ट्राई करते हैं कि ये कैसी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी लग रही है और काफ़ी ही ज़्यादा क्रिस्पी है अंदर इसकी चिकन है। हमने दही बड़े लिए थे, तो दही बड़े भी ट्राई करते हैं, यानी दही फुलकी कि ये कैसी है। ये भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इसके अलावा फ्रूट चाट थी जो कि काफ़ी ज़्यादा खा चुके हैं, लेकिन मैंने कहा आप लोग को दिखा दूँ। फ्रूट चाट अच्छी है, लेकिन जैसे फ्रूट चाट हमने वहाँ खाई थी बस फ्रूट के क्रीमी फ्रूट चाट वैसा टेस्ट नहीं है, बस सही है काम चलाने के लिए अच्छी है। हाँ। और दही फुल्कियाँ भी एवरेज हैं, तो वहाँ पे हमने खाई थी रसगुल्ला के दही फुल्कियाँ या दही बड़े, बड़े मज़ेदार। तो अभी जो है ये हमने छोले की जो चाट ली थी काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, इसको देखते हैं कैसा है खाने में। छोले जो है काफ़ी ज़्यादा खट्टे हैं, खट्टा टेस्ट आ रहा है, मिर्च वाला भी टेस्ट आ रहा है, लेकिन हैं बहुत स्पाइसी और अच्छे हैं। और हमने जो मालपुरा लिया था, मालपुरा मैंने कभी नहीं ट्राई किया, अभी लिया है पहली टाइम। देखने में ये ऑमलेट अंडे की तरह लग रहा है काफ़ी हद तक, लेकिन वैसा नहीं है। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं मालपुरा, खाने में देखते हैं कैसा है। और मालपुरा के साथ जो है यहाँ पे ये मलाई दी थी, तो मलाई भी अभी देखते हैं कैसी है। मालपुरा आई डोंट नो किससे बनता है, मैंने फर्स्ट टाइम लिया, लेकिन है अच्छा मज़े का लगा, साथ साथ मलाई ये भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा जो हमने पी लिया और थोड़े के गिलास में हमने भी लिमका भरा, तो लिमका भी देखते हैं लिमका कैसा है। लिमका भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। कराची आइसक्रीम पर बैठे हैं, तो हमने मटका कुल्फी मंगाई थी, तो मटका कुल्फी भी ट्राई करते हैं, उसके बाद निकलते हैं नमाज भी पढ़नी। हाँ, तो जैसा आप लोग को दिखाया है कि हमने हुसैनाबाद के यहाँ की अफ्तारी के जो भी आइटम्स थे वो सारी ट्राई करे, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था हुसैनाबाद में। यहाँ पे मैंने एक दो बार शायद आया हूँ बचपन में, उसके अलावा मैं यहाँ पे नहीं आया। यहाँ के खाने भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है जो कि हमने अभी ट्राई नहीं किए, हमने जो है सिर्फ अफ्तारी के रिलेटेड जितनी भी आइटम्स थे वो आपको दिखाया और वो हमने ट्राई किए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन इससे पहले बंस रोड का मैंने आप लोग को ब्लॉग दिखाया था, यानी ब्लॉग बनाया था, आप लोग ने देखा होगा। उससे अगर कंपेयर करूँ तो बंस रोड पर ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी और टेस्ट भी ज़्यादा इससे ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी यहाँ के खाने हुसैनाबाद के जो भी अफ्तारी के आइटम्स थे वो हमें अच्छे लगे, सब कुछ ओके थे, परफेक्ट थे। तो ये था कि आपको दिखाया है कि क्या क्या आइटम्स मिल लेते हैं, हमने क्या क्या चीज़ें ट्राई करी। उसके बाद अभी हमने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अब ये है कि गाड़ी में बैठे हैं, तो मेरे साथ साथ असद भी था, तो आप लोग को पता हम लोग साथ ही ब्लॉग बना रहे होते हैं। तो असद तुम बताओ तुम्हें हुसैनाबाद के खाने कैसे लगे, यानी हुसैनाबाद की अफ्तारी? अफ्तारी अच्छी थी, लेकिन इससे ज्यादा अच्छी अफ्तारी वो थी जो हम लोग ने भी लास्ट ब्लॉग बनाया था बंस रोड के ऊपर, तो वहाँ के मुझे ज्यादा अच्छे लगे, यहाँ के भी अच्छे थे लेकिन वहाँ के ज्यादा अच्छे लगे। तो यही सारा सीन है, खाने यहाँ के भी यानी अफ्तारी के जितनी भी आइटम्स अच्छे थे, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं बंस रोड से, तो उसके मुकाबले में थोड़े नीचे थे मैं ये कहूँगा। लेकिन जो भी था अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा पूरा ब्लॉग। तो ये है कि इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग के अंदर। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और कॉमेंट्स करके लाजमी बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है। और साथ साथ मैं ये देख रहा होता हूँ अपने चैनल के ऊपर कि 98% लोग जो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते, ऐसी देख के जो है वीडियो मतलब चले जाते हैं, तो ये चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।